संविदा कर्मचारी ने बिजली विभाग के अवसर अभियान पर लगाया लाखों रुपए के गमन करने का आरोप, मुख्यमंत्री को पत्र लिख लगाई न्याय की गुहार। आपको बताते चले कि जहां योगी सरकार हर एक विभाग के अधिकारियों को समय समय पर अपने कार्यों को ईमानदारी से करने के निर्देश देते हैं, परंतु जमीनी स्तर पर सरकारी विभागों में अधिकारियों के खाऊ कमाऊ रवैये से सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। ऐसा ही एक बिजली विभाग का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि विकास खंड कछौना के थाना कासिमपुर के अंतर्गत ग्राम हिया निवासी धर्मेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय सुरेश सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख गौसगंज के बिजली विभाग के अपर अभियंता पर लाखों रुपए के गमन के आरोप लगाए हैं। धर्मेंद्र सिंह ने अपने आरोप पत्र के माध्यम से बताया है कि वे 13वां दहीगवा 33 बनाम 11 केवी पावर हाउस एसडीओ संडिला के अंतर्गत संविदा कर्मचारी के पद पर 22 वर्ष से कार्य कर रहा है। संविदा कर्मी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि जब से पवन कुमार वर्मा जेई ने अपना कार्यभार संभाला है, तब से वह अपने पद का दुरुपयोग करके अवैध रूप से धन उगाही कर रहे हैं, जिसे सरकार और जनता को लाखों का चूना लग रहा है। जहां बिजली विभाग करोड़ों रुपए का घाटा अपने बजट में दिखा रही है और बिजली विभाग जनता को दोषी समझ रही है। पीड़ित लाइनमैन धर्मेंद्र ने बताया कि अवर अभियंता पवन कुमार लाइनमैन व अन्य कर्मचारियों से जबरदस्ती कार्य कराते हैं और जनता से धन उगाही करते हैं। पैरा गांव का ट्रांसफार्मर अवर अभियंता ने 50,000 लेकर बेच दिया। इतना ही नहीं, अवर अभियंता पवन कुमार वर्मा धर्मेंद्र से कहते हैं कि 50,000 महीने मुझे ला कर दो, नहीं तो तुमको जान से मार दूंगा, और अगर किसी से शिकायत की तो तुमको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। जमीनी स्तर पर भ्रष्ट अधिकारी अपने ही विभाग को मटिया मैट करने में लगे हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर आखिरकार कार्यवाही कब होगी? जीबीएन24 न्यूज के लिए पुनीत सिंह पटेल की रिपोर्ट।